2024 में आप लोगों को प्रभाव पड़ने वाला कुछ नहीं पड़ेगा, महागठबंधन जीरो पर आउट होगा। आप देख लीजिए कि बीजेपी देश तोड़ने का काम कर रही है, ये खुद बता दे कि इनके 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 परिवार का 70 साल शासन रहा तो क्या किए। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज पटना में विपक्षी दल का बैठक चल रहा है, उसी बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा से MLC जीवन कुमार जी हैं। क्या कुछ कर रहे हैं इस विपक्षी दल पर बैठक को लेकर, क्या सुनाते हैं आप? बैठक जो है, ये जो विफल लोग हैं उनका बैठक है, जो जनता के प्रति जवाबदेह लोग नहीं है ये उनका बैठक है, और जनता जो है गैर जवाबदेह लोगों को पसंद नहीं करती है। तोड़ मरोड़ के किसी तरह अतिक्रम से यदि कुछ सीट लेते आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता को पूरी तरह भ्रमित कर देंगे। और ख़ासकर जो है, जब लोकतंत्र व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बात होती है, तो वर्तमान परिस्थिति में प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भारत में। और इसमें जो बैठक चल रही है, उसमें वैसे लोगों की बैठक चल रही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को जोड़ने वाले नहीं है, गरीबों के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले लोग नहीं है, गरीबों से नफरत पैदा कर गरीबों के प्रति नफरत रखने वाले लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सम्मान जो गरीबों का करते हैं तो समझिए मीडिया में दिखावे की बात करते हैं, उनके दिल में समर्पण की भावना नहीं है। तो वैसे लोगों को जनता जो है अपने चश्मे से देख रही है, और वैसे लोगों को जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। आप जान लीजिए, चाहे कितना भी बैठक कर ले। वो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सत्ता के लिए व्याकुल है, इसलिए उन्होंने पोस्टर मार करना शुरू किया। कोई व्याकुल नहीं है सत्ता के लिए, जनता सब कुछ जानती है। ये ऐसे लोग हैं जो 70 सालों में देश को केवल लूटने का काम किए हैं। आज बताइए, देश में जितने मेडिकल कॉलेज और जितने हॉस्पिटल खुले थे, आज कितने एम्स इन्होंने बनवाए, और जब मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को तो कितना एम्स बनवाया, जब आया जब पढ़ने लिखने के संस्थान IIT की बात करें, कितना इनके रीजन में टॉप इंस्टीट्यूशन था, आज हमारे रीजन में कितना इंस्टीट्यूशन है। तो 70 सालों में जो काम किया, और हम लोग 9 साल में जितना काम किए, तो 9 साल का कार्यक्रम को बेमिसाल कार्यक्रम कहते हैं हम लोग, क्योंकि 9 साल में उससे 3 गुना हम अधिक काम किए। आज भारत की इकोनॉमी लंदन से आगे चली गई, ये देश को कितना पीछे रखे हुए थे, आज 10वें नंबर पर रखे हुए थे, आज हम लंदन को पीछे धकेलते हुए आज हम 5वें नंबर पर आ गए। तो देश की इकोनॉमी पूरे दुनिया में अपनी ताकत को दिखाने का काम कर रही है। तो ना आप देश की ताकत को बढ़ाने का काम किए, ना गरीबों का उद्धार करने का काम किए। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले लोग हैं, जो धारा 370 के हटाने की बात करते थे, जो ये कहते थे कि भारत कश्मीर हमारा है, तो हम लोग भारत जोड़ो की बात करते थे, वास्तविक भारत जोड़ो की बात करते थे। ये लोग कहने की भारत जोड़ो की बात करते हैं, ये लोग एक्चुअल में भारत तोड़ो की बात करते हैं, भीतर भीतर, और भारत तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जनता जानती है कि ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं, भारत तोड़ने वाले लोग हैं कि बीजेपी देश तोड़ने का काम कर रही है। ये खुद बता दें कि इनके 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 परिवार का 70 साल शासन रहा तो क्या किए, ये धारा 370 को मेंटेन करने का काम किए, हम लोगों ने धारा 370 को हटाने का काम किया। इन्हीं के लोग जो बैठक में बैठे हुए हैं कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, और क्यों नहीं नदी बही? आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो है अमित शाह जी, जब उसको धारा 370 को हटाने का काम किए, तो एक भी घटना नहीं घटी। तो ये लोग देश को तोड़ने का काम किए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो है स्वार्थ बस अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, और देश में गरीबों के प्रति इनका कोई समर्पण की भावना नहीं है, केवल लूट खसोट इनके राज में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए कोई भी एक केंद्रीय मंत्री का नाम जिन पर आरोप लगा कि कोई लूटने का काम किया, कोई ऐसा मंत्री नहीं है। तो आप जान लीजिए कि दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। राहुल गांधी ने कहा है कि आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें दो विचारधाराओं की लड़ाई होगी। हाँ। पहली विचारधारा है कि जो RSS विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, और दूसरी विचारधारा जो है वो विपक्षी एक होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, वो हमारी विचारधारा होगी गरीबों के हक के लिए लड़ाई। देखिए, ये दो विचारधारा समझ लीजिए, ये दो विचारधारा है क्या? एक तरफ विचारधारा है गरीबों के प्रति सम्मान समर्पण और उसका इज्जत बढ़ाने की योजना। आप देख लीजिए, आयुष्मान के माध्यम से उनका इलाज फ्री करने का प्रयास किया गया यहाँ पर। आप देख लीजिए, ये लोग जो है दवाई कमाई पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक में जब इनका शासन था तो कुछ नहीं किए, ना दवाई के लिए किए, ना कमाई के लिए, ना पढ़ाई के लिए किए, ये लोग लूटने का काम किए। राहुल गांधी के ही तो परिवार के लोग थे जो कहते थे कि हम 10 रुपये 100 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये पहुँचता है, 90 रुपये दलाली में ख़त्म होता है। तो जब उनके ही परिवार के लोग ये कह चुके हैं कि हमारा पैसा दलाली में ख़त्म हो जाता है, और जब जनधन खाता माननीय मोदी जी ने खुलवाने का काम किया, तब उनको तकलीफ़ हो रहा था, तब उनको मिर्ची लग रही थी,
तो हम लोग जो है DBT के माध्यम से सबका 100% पैसा भेजने का काम गरीबों को कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ लग रहा है। मनरेगा में वो लोग लूटने का काम किए, वो लोग प्रधानमंत्री योजना के नाम पर 20 से 25 हज़ार में घर बनवाने का काम करते थे, जिसमें कि 20-25 हज़ार में 10-15-20 हज़ार पर दलाली लेते थे। तो बताइए कि 5 हज़ार में किसी का मकान बने गरीब का? भारतीय पहलवान ने तो बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया, देखिए वो कानून अपना काम कर रही है और सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट है, कानून अपना उसमें काम कर रही है, सब कुछ स्पष्ट है। सर यहाँ बता दीजिए, ये बताइए किसान लोग कब से, मतलब कि राजनीति के किसान लोग कब से पहलवानी के लोग, इस सब राजनीति से प्रेरित बात है वहाँ पे, और राजनीति से प्रेरित बात के बारे में हम क्या कहें, सब कानून अपना काम कर रही है। 2024 में आप लोगों को प्रभाव पड़ने वाला कुछ नहीं पड़ेगा, महागठबंधन 0 पर आउट होगा। आप देख लीजिए यूपी में क्या हुआ, कांग्रेस और मतलब समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी और कई पार्टियां मिलकर लड़ी, क्या हुआ, खत्म हो गया, सुपरा साफ हो गया। यहाँ भी लड़ रहे हैं लोग, यहाँ भी लड़ने की बात कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 40 पर 40 सीट जीतेगी यहाँ पर, आप जान लीजिए।